देश दुनिया की हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। मुजफ्फरपुर में मोबाइल व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल की हत्या के बाद लोगों में सरकार व प्रशासन के विरोध में उभर रहे आक्रोश को शांत करने शनिवार को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी व्यवसायी के घर पहुँच गयी। लूट के दौरान अपराधियों की गोलियों से मारे गए व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल की विधवा को गले लगाकर उसे सांत्वना दी। परिजनों को भी भरोसा दिलाया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने व्यवसायी के घर से मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को फोन लगाकर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने को कही। मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका चरित्र खराब है, वही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें अंजाम भुगतना भी पड़ेगा। आपको बता दें कि दो दिन पहले नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान मोबाइल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से व्यापारियों में भी काफी आक्रोश है। घटना के विरोध में शुक्रवार को व्यापारियों ने घंटों नगर थाना को घेर रखा था। शहर में जगह जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी दी कि यदि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अब व्यापक पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री लोगों के गुस्से को भांप कर मामले को शांत करने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंच गई। चलते चलते मैं गोली मार दिया, गिर गया, देखे ना सर, गाड़ी अच्छा कैमरा है, इसको बैग एकदम सर, यहाँ पीछे से मारा गाड़ी पर से चलते गाड़ी में मारा। देखिए इसको मिर्चा अति किया मार करके आया है, बैग छीना, ये तो बेचारा उतर नहीं रहता, उधर गाड़ी साइड करके हम नीलेश हम वहाँ पहुँचे ना, वो यहाँ हम दोनों आदमी पहुँचे, दो तरफ से कैमरा है सर, दो तरफ से तो मर्डर हुआ है, वो थाने से 10 कदम के आगे मर्डर हुआ है, तो अपने लोग क्या कर रहा है, कितनी बदनामी हम लोग सहन किए, इसका कुछ मिला है, कुछ भी सुराग कुछ सुराग मिला है क्या? जी और हम डायरेक्शन क्या है नहीं बोलना पड़ेगा जी, ठीक है, हम उस परिवार से जुड़े थे, इनकी घर की लड़कियां बेतिया में है, समझियाना है, ठीक है, हेलो, तो वहाँ अभी हम आए थे इंडस्ट्रीज वाले मीटिंग में, तो फिर मालूम हुआ तो फिर यहाँ आए हैं, अब यहाँ सब अच्छे, अपने यहाँ जो एक और क्राइम हुआ था, शायद दो क्राइम हुआ है, तो इस उसका अच्छा उसका तो रिकवरी हो गया, ये लड़का एकदम निर्दोष ही लड़का चला गया, इसी ना किसी से लेना ना देना ना कुछ भी, दुकानदार लड़का एकदम, परिवार भी ज़्यादा दिखते हैं, 3 साल का बेटा है, तो इस पर इसमें थोड़ा सा पूरा लग के कि हमको बोलना ना पड़े, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा ना, पूरा न्याय मिल गया उस महिला को, न्याय मिले और उसको सजा मिले, ठीक है ना, ठीक जी जी ठीक।